हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर एंड इट्स फिजियोलॉजी। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में? डेफिनेशन पढ़ेंगे लेबर की, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, फाल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन, स्टेजेस ऑफ लेबर, फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर और फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन इन एन इफर्ट टू एक्सपल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइना इन टू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। ये लेबर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीटस, प्लेसेंटा और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बर्थ कैनाल से बाहर निकलते हैं आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। और इट मे अकर प्रायर टू 37 कंप्लीटेड वीक्स, इट इज़ कॉल्ड प्री टर्म लेबर। अगर ये 37 कंप्लीट वीक कंप्लीट होने से पहले अगर अगर ये प्रोसेस होती है तो इसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं, ठीक है। डिलीवरी इज ए एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम। नॉर्मल लेबर जिसको यूटोशिया भी बोलते हैं। तो लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल, इट इज फुलफिल्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट एंड एट टर्म विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमम एड्स एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी इज कॉल्ड नॉर्मल लेबर। एंड एबनॉर्मल लेबर जिसको कि डिस्टोशिया बोलते हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। ऑनसेट ऑफ डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, इट इज अनप्रिडिक्टेबल टू फोरटेल प्रीसियसली द एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। कैलकुलेशन फ्रॉम नेगलेस फॉर्मूला इज ओनली ए रफ गाइड। बेस ऑन द फॉर्मूला लेबर स्टार्ट अप्रोक्स ऑन द एक्सपेक्टेड डेट इज 4%। 1 week on either side is 50%, 2 week earlier and 1 week later is 80%, and 42 week is 10%, and at 43 week plus is 4%. Causes of onset of labor, क्या क्या causes है labor को onset होने में? तो uterine distension, फीटोप्लासेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। ईस्ट्रोजन रिलीज द इंक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द मायोमेट्रियम एंड डेसिडुआ। एसिलरेट लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन इन एमनियोटिक सेल रिजल्टिंग इन एमनियोन सेल रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज फीटल प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रो ईपियन ड्रोस्टेरोन सल्फेट एंड कोर्टिसोल इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ फीटल प्रेग्नोनोन टू प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन लेवल देयरफॉर फॉल बिफोर लेबर। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इनिशिएट एंड मेंटेन लेबर। द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर एमनियोन, कोरियोन, डेसिडुअल सेल एंड मायोमेट्रियम। सिंथेसिस इज ट्रिगर्ड बाय
राइज इन ईस्ट्रोजन लेवल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन द लेट प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन साइटोकाइन, इन्फेक्शन, एजाइनल एग्जामिनेशन, सेपरेशन और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आर इंक्रीज इन यूट्रस विद द ऑनसेट ऑफ लेबर. ऑक्सीटोसिन प्रमोट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द डेसिडुआ. ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस इज इंक्रीज इन द डेसिडुआ एंड इन द प्लेसेंटा. वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड एमनियोटोमी कॉज राइज इन मेटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल, जिसको फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, बोथ एल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम. ईस्ट्रोजन कोजिंग ए एल्फा रिसेप्टर, ईस्ट्रोजन कोजिंग ए एल्फा रिसेप्टर एंड प्रोजेस्ट्रोन द बीटा रिसेप्टर टू फंक्शन प्री डोमिनेंटली. द कॉन्ट्रेक्टाइल रेस्पॉन्स इज इनिशिएटेड थ्रू ए एल्फा रिसेप्टर ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इन द अराउंड सर्विक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस. फाल्स लेबर पेन, फाल्स लेबर पेन क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं. डल इन नेचर का होता है, यूजली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमन एंड ग्रोइन, कंटिन्यूस एंड अनरिलेटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड यूजली रिलीव्ड बाय मेडिकेशन. ठीक है, तो फॉल्स लेबर पेन होता है वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में बिना सर्वाइकल डायलेशन के और पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के होते हैं. ठीक है, और ये इरेगुलर होते हैं और ये लगातार लंबे टाइम तक बने रहते हैं और पेन की इंटेंसिटी होती है वो भी एक समान होती है और ये मेनली लोअर एब्डोमन और ग्रोइन में होता है. ठीक है, और क्या होता है इसमें, और ये यूजुअली मेडिसिन से रिलीव हो जाते हैं. उसके बाद में प्री लेबर एंड प्री मॉनिटरिंग स्टेज, ये इसकी बिगनिंग कब होती है, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में अलग अलग होती है इसकी. तो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रूबल लेबर एंड मल्टी ग्रेविडा में फ्यू डे प्रायर. फीचर्स ऑफ प्री लेबर, प्री लेबर के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे लाइटनिंग, सर्वाइकल चेंजेस एंड अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन. देन ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन शो प्रेजेंट होता है, और प्रोग्रेसिव इफेसमेंट और डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है और फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर. देन स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर की 4 stages होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज. सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दिस स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड द एंड विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. इट इज इन द वर्ल्ड द सर्वाइकल स्टेज. ठीक है, इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं, जिस जो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है, और इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 12 hours की होती है और मल्टी ग्रेविडा में 6 hours की होती है. और इसमें जो है फर्स्ट स्टेज में 2 phases होती है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज. फर्स्ट लेटेंट फेज इज द टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर, 3 to 4 centimeters डायलेशन एंड सर्विक्स बिकम फुल्ली इफेस्ट. इट इज यूजली लास्ट बिटवीन 3 to 8 hours, बिगनिंग शॉर्टर इन मल्टीपेरस वूमेन. ठीक है, तो लेटेंट फेज में क्या होता है कि इसके अंदर रेगुलर रिदमिक और कॉन्ट्रेक्शन की स्टार्ट हो जाता है, और इसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है वो 3 to 4 centimeters का हो जाता है, और इसमें सर्वाइकल जो इफेसमेंट है, सर्विक्स कैनाल की लेंथ है
वो भी 3 सेंटीमीटर से रिड्यूस होकर बहुत कम रह जाती है, जैसे 0.5 सेंटीमीटर रह जाती है। और ये फेज जो होती है प्राइमरी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर तक की होती है। और उसके बाद में है सेकेंड फेज, ठीक है, सेकेंड फेज या फिर एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है कि जो फेज है इसमें सर्विक्स का रैपिड डायलेशन होता है, ठीक है, और इस फेज में डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन होता है वो 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट से शुरू होकर फुल्ली सर्विक्स डायलेट होती है, ठीक है। और ये यूजुअली लास्टिंग बिटवीन 2 to 6 आवर। अगेन इट इज शॉर्टर इन मल्टी पेरस वुमेन। उसके बाद में ड्यूरिंग एक्टिव फेज सर्विक्स डायलेशन ड्यूरिंग द एक्टिव फेज यूजुअली अकर्स एट 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर पर आवर और मोर इन नॉर्मल लेबर में क्या होता है कि एक्टिव फेज के अंदर जो सर्विक्स का डायलेशन है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर या फिर इससे भी ज़्यादा स्पीड में होता है। उसके बाद में है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इट स्टार्ट फ्रॉम फुल, जो सेकेंड स्टेज होती है लेबर की वो सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेकर एंड विद फीटल एक्सपल्सन तक होती है, ठीक है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड द एंड विद एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनल। इट हैज़ गॉट 2 फेजेस। इसमें 2 फेज होती है, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज क्या होती है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। एंड एक्सपल्सिव फेज इट इज डिसइंड्यूस्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन इफर्ट एंड एंड विद डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और इसका जो एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का होता है इन प्राइमरी ग्रेविडा में और 1 आवर का होता है इन मल्टी पेरस में। उसके बाद में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। द थर्ड स्टेज बिगनिंग आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस एंड एंड विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। इट आल्सो इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। द थर्ड स्टेज लास्टिंग मोर देन 30 मिनट शुड बी कंसिडर एबनॉर्मल। फोर्थ स्टेज बिगनिंग विद द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड द एंड ऑफ 2 आवर लेटर। देन फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो सबसे पहले है यूटेराइन एक्शन, ठीक है। यूटेराइन एक्शन में पहला है फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जो हर जो प्रत्येक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यूट्रस में कॉर्नुआ के पास से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉर्नुआ के नज़दीक से स्टार्ट होता है और फिर एक्रॉस और डाउनवर्ड स्प्रेड होते हुए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और फंडस में रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद में कंप्लीट यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन एक समान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है पोलारिटी। फंडल डोमिनेंस के बाद में पोलारिटी। तो पोलारिटी का क्या मतलब होता है, जो हॉर्मोनियस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूट्रस के 2 पोल बन जाते हैं। अपर पोल फीटस को एक्सपल करने के लिए स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, और जो लोअर पोल होता है वो फीटस को एक्सपल्सन के लिए स्लोली कॉन्ट्रैक्शन और डायलेट होता है। उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में क्या होता है कि जो यूटेराइन मसल्स की यूनिक क्वालिटी होती है, इसमें यूटेराइन मसल्स फाइबर कंप्लीटली रिलैक्स्ड होने के बजाय सेमी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। इसको रिट्रैक्शन कहते हैं। और लेबर के स्टार्टिंग में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हर 15 से 20 मिनट के इंटरवल में आते हैं, ठीक है, और 30 सेकंड तक रहते हैं।
लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज के एंड में, एंड के टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एवरी 2 to 3 मिनट के इंटरवल में होते हैं और 50 to 60 सेकंड तक रहते हैं। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के एंड में यूट्रस एनाटोमिकली 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और यूट्रस की बॉडी और फंडस अपर सेगमेंट बनाते हैं जो कि थिक और मस्कुलर होता है और इसका मेन वर्क जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का होता है। और स्थमस और सर्विक्स लोअर सेगमेंट बनाते हैं और ये 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और इसकी जो मसल्स होती है वो थिन होती हैं और इसका मेन वर्क जो होता है वो डिस्टेंशन और डायलेशन का होता है। और लोअर यूटेराइन जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का वो यूट्रस को स्ट्रेच करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ उसके बाद में अच्छा नेक्स्ट ये व्हेन द लेबर बिगनिंग द रिट्रैक्टेड लॉन्जिट्यूडनल फाइबर एंड अपर सेगमेंट पुल ऑन द लोअर सेगमेंट कॉजिंग इट स्ट्रेच एंड एट द डिसेंडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट देन रिट्रैक्शन रिंग द रिज फॉर्म बिटवीन द अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नोन द रिट्रैक्शन रिंग। यूट्रस के अपर और लोअर सेगमेंट के बीच में एक रिंग बन जाती है जिसको कि रिट्रैक्शन रिंग या फिर बंडल रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और जब ये अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करता है तो लोअर सेगमेंट डिस्टेंड होता है, तब ये रिंग ग्रेजुअली ऊपर की ओर चली जाती है, लेकिन जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट होता है तब तक रिंग राइज नहीं होती है। उसके बाद में सर्वाइकल इफेसमेंट रेफर्स टू द इंक्लूजन टू द सर्वाइकल कैनाल इनटू द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, इफेसमेंट का क्या मतलब होता है कि जो सर्वाइकल कैनाल होती है, सर्वाइकल कैनाल लोअर यूटेराइन सेगमेंट में मिल जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि सम्मिलित हो जाती है और इफेसमेंट मेनली लेबर शुरू होने के बाद में होता है और ये प्रोसेस मेनली डाउनवर्ड होती है जिसमें सबसे पहले इंटरनल ओवस लोअर यूटेराइन सेगमेंट में मिल जाता है और इंटरनल ओवस के लेवल पर सर्वाइकल कैनाल वाइड हो जाती है और एक्सटर्नल ओवस अनचेंजेबल रहता है। ये जो पिक्चर है जिसमें सबसे पहला डायग्राम है ये नॉट अफेक्टेड है, इसमें सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं हुआ है, और जो ये सेकंड पिक्चर है इसमें जो सर्वाइकल इफेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसमें सर्विक्स की जो लेंथ है वो कम हो गई है। उसके बाद में है सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें यूट्रस की टाइटनिंग, यूट्रस जो होता है वो टाइटली क्लोज ओस की ओपनिंग एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, जो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है वो पहले टाइट रहती है, लेकिन सर्विक्स डायलेशन में क्या होता है, ये ओपनिंग एनलार्ज हो जाती है और फीटल हेड के पास करने के लिए, फीटल हेड वहाँ से पास होता है उसके लिए परमिट हो जाती है। ठीक है, और यूटेराइन एक्शन और प्रेजेंटिंग पार्ट के प्रेशर के कारण सर्वाइकल डायलेशन होता है और ये जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का फुल डायलेशन होता है। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले सर्विक्स इज नॉन अफेक्टेड और डायलेटेड, देन सर्विक्स इज फुल्ली इफेस्ड एंड डायलेटेड टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में सर्विक्स डायलेटेड 5 सेंटीमीटर एंड देन सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड टू द 10 सेंटीमीटर। तो लेबर के दौरान जो सर्विक्स होता है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है जिसको कि फुल्ली डायलेशन माना जाता है। उसके बाद में है शो। तो शो क्या होता है कि सर्वाइकल डायलेशन के बाद में प्रेगनेंसी में बनने वाला सर्वाइकल प्लग तो जो सर्वाइकल प्लग बनती है प्रेगनेंसी के दौरान
सर्विक्स डायलेशन के कारण तो वो ओपरकुलम कास्ट हो जाती हैं, और इसके बाद में लेबर के स्टार्ट होने से कुछ आवर पहले और बाद में ब्लड स्टेन म्यूको डिस्चार्ज होता है और डेसिडुआ की रप्चर्ड कैपिलरीज में ब्लड आता है और इसको शो बोलते हैं। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर। फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर क्या होता है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट को फॉर्मेशन और स्ट्रेचिंग के कारण कोरियोनिक यूट्रस से डिटैच हो जाती है और वेल फ्लेक्स्ड हेड सर्विक्स में फिक्स हो जाता है और बॉडी को कवर करने वाले फ्लूड से कनेक्शन टूट जाता है और इसके बाद में हेड और सर्विक्स के बीच में फोर वाटर पैक बनता है और बॉडी और यूट्रस के बीच में हिंड वाटर बनता है। ठीक है, और फोर वाटर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर को प्रिवेंट करता है और मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ हिंड वाटर। जनरल फ्लूड प्रेशर। जनरल फ्लूड प्रेशर क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर फ्लूड पर बराबर एग्जर्ट होता है और फ्लूड कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसलिए जो प्रेशर यूट्रस की वॉल पर इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसे जनरल फ्लूड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद में होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के स्पॉन्टेनियस रप्चर को उचित टाइम पे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद में फुल सर्वाइकल डायलेशन के बाद में होता है, लेकिन कभी कभी ये लेबर से पहले या फिर फर्स्ट स्टेज के दौरान भी फुल सर्वाइकल डायलेशन से पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है फीटल एक्सिस प्रेशर। During each contraction, the uterus rises forward and force to the fundal contraction is transmitted to the upper pole of the fetus down to the long axis of fetus and applied by the presenting part to the cervix. It is called the fetal axis pressure. तो जो सेकेंड स्टेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।